दोस्तों 1934 में साइंस के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ब्रैकेली के मशहूर साइंटिस्ट रॉबर्ट ई कॉनलियस ने कुदरत को चुनौती देते हुए मरे हुए जानवरों को जिंदा कर दिया था। दोस्तों उन्होंने एक दो या फिर तीन नहीं बल्कि पूरे 5 जानवरों को मरने के कुछ ही घंटों बाद जिंदा कर सबको हैरान कर दिया था। दोस्तों जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में सफलता मिलने के बाद 1947 में कॉर्नियस ने इस प्रयोग को मृत व्यक्ति के शरीर के ऊपर करने की सोची। इस प्रयोग के लिए उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम थॉमस मैंगलिक था, जिसे कोर्ट ने बच्चे के कत्ल के जुर्म में मौत की सजा सुना रखी थी। जिसके बाद रॉबर्ट ने कोर्ट से थॉमस के मृत शरीर पर इस एक्सपेरिमेंट को करने की मांग रखी, लेकिन कोर्ट ने उसकी अर्जी यह कहते हुए ठुकरा दी कि अगर थॉमस वापस जिंदा हो गया तो उसे जेल से रिहा करना होगा, जो कभी मुमकिन नहीं हो सकता। इस बात का रॉबर्ट को इतना गहरा सदमा लगा कि उसने एक्सपेरिमेंट के सभी कागज जला डाले और उन्होंने इस प्रयोग को कभी न करने की कसम खा ली। दोस्तों अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता तो हम सोच भी नहीं सकते कि आज की दुनिया आखिर कैसी होती।